हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सुबह वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे, यानी कि जो आपके पर्सन हैं आज मॉर्निंग में उनके क्या थॉट्स थे, क्या इमोशंस थे, आज सुबह उनकी कैसी एनर्जी थी, हमें जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है। ओके, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिएगा, ओके, जिससे आपको उन्हीं के मैसेजेस चैनल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए देखते हैं कि आज सुबह उनकी क्या एनर्जी थी। अच्छे से हमने शफल कर लिया है, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स। इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, यहाँ मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन आज सुबह के वक्त ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे थे, पर उसके साथ साथ उनके दिमाग में ये भी थॉट्स आ रहे थे कि न्यू बिगिनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए उनको अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या डिसीजन लेना है, और कैसा बर्डन है या क्या बर्डन है ऐसा जिसको रिलीज करना है, क्या क्या चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में आगे मूव करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, बट बिफोर दैट दे हैव टू टेक सम डिसीजंस। उससे पहले इन्हें कोई निर्णय लेने होंगे, कुछ निर्णय लेने होंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, और स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज ये एक लव रीडिंग है। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि उन्होंने किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश बहुत लंबे समय तक की है, अपनी लव लाइफ के रिलेटेड ही, या उसके अलावा भी हो सकता है, पर स्पेशली लव लाइफ के लिए कि इन्होंने किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की बहुत समय से कोशिश की है। एंड दे ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको वो सलूशन मिला भी, पर वो उसको अप्लाई नहीं कर पाए, उसको यूज़ नहीं कर पाए, या कुछ कर नहीं पाए। यानी कि समस्या का समाधान समझ में तो आ गया था, लेकिन वो समाधान को कर नहीं पाए। प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आ गया, मिल गया, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, यूज़ नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। तो वहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द इनकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। यानी कि आपके साथ अगर इनका कोई भी इशू है या बातचीत बंद है, तो वो जल्द से जल्द रिजॉल्व होना चाहिए, ऐसी उनको नीड फील हो रही है। लाइक दे आर फीलिंग द नीड ऑफ रिजॉल्विंग दिस इश्यू। उनको लगता है कि आप लोगों के बीच जो भी हुआ है व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक गैप है, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप है, एक इमोशनल गैप है। तो वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो भी हो सकता है वो उसको अब रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं पहले वो रुक गए थे, ऐसा लगता है कि पहले भी उन्हें सलूशन समझ में आ गया था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक डिसअपॉइंटमेंट भी साथ साथ है कि प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाना, लेकिन निराशा इतनी है, नेगेटिविटी इतनी है कि चाहकर भी कुछ कर ना पाना, ऐसा बिल्कुल हेल्पलेस सा, कि जैसे अब उम्मीद कम है, इस तरह की उनकी सोच थी। लेकिन आज सुबह ही कह सकते हैं कि वो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, अपनी लव लाइफ में भी वो स्टक रहना नहीं चाहते या स्टक रहना नहीं चाहती। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद यू। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी न्यू पर्सन के साथ जाना है या कोई न्यू उनकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करनी है।
और उसके लिए भी इनको उस डिसअपॉइंटिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। तो वो अपने आप को लेके, अपने हालात को लेके, अपने डिसीजन को लेके, अपनी करंट सिचुएशन को लेके निराश तो दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अब फील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके और आपके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि काफ़ी अब इनका दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा है, अब दे आर हेडिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव डिसीजन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये बढ़ रहे हैं आगे पॉजिटिविटी की तरफ, और उसी वजह से इनके मन में ये आया है कि पुराने बर्डन, ग्रजेस, जो भी है, कंप्लेंट्स, इश्यूज, उसको लेट गो करना है, रिजॉल्व करना है, सब कुछ ठीक करना है और एक न्यू बिगिनिंग करनी है। सब कुछ वहीं पर अटका हुआ या स्टक नहीं रह सकता, परिस्थिति भी बदल जाएगी, इन्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी खोना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लूज यू, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि इनकी इंट्यूशन भी इनको इस तरफ गाइड कर रही है कि इनको हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, दे रियली नीड टू मूव फॉरवर्ड। आप इस पिक्चर में ये देखिए कैसे यहाँ पर कोई सर झुकाकर बैठा हुआ है, और लिटरली पिक्चर में ऐसा ही दिख रहा है जैसे कोई हाथ पे हाथ रख के ही बैठा है, इवन द हेड इज डाउन, हेड डाउन करके हाथ पे हाथ रख के बैठना, इट शोज द डिसअपॉइंटमेंट, इट शोज यू नो डिसअपॉइंटमेंट एंड द नेगेटिव एनर्जी एंड द लो एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट है, बट देर इज अ नीड टू फिक्स समथिंग। महसूस होता है उन्हें कि उन्हें ज़रूरत है कुछ चीज़ों को सही करने की, ठीक करने की, एंड दे विल रिजॉल्व द इशू एनी हाउ, कि कैसे भी ये इस परिस्थिति के जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे ही करेंगे, बिकॉज नाउ दे हैव डिसाइडेड। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये इंसान कोई ऐसा सोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे आज सुबह, कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए सबसे पहले उन्हें आपको बहुत कुछ क्लैरिफाई करना है, आपको बहुत कुछ आंसर करना है। मे बी यू हैव मैनी क्वेश्चन व्यूअर्स, आपके हो सकता है बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, या हो सकता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर करनी है, और वो चीज़ें भी क्लियर करनी है जिनका जिस वजह से उनको लगता है कि आप लोगों के बीच गैप आया है या आया हुआ है या आया था। तो वो मुझे लगता है कि कुछ रिवील कर सकते हैं आपके आगे अपनी लाइफ सिचुएशन को लेकर, अपनी लव लाइफ में या पास्ट जो इश्यूज हैं उसको लेकर, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं उसको लेकर आपसे कुछ बात कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या इनका अब विजन है लव लाइफ को लेकर, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही थी, या पहले इनका क्या माइंडसेट था, अब इनका माइंडसेट क्या है, चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है, और कहीं ना कहीं इनके पास मतलब इनका जो भी ओपिनियन है या जो इनका अब जो भी फीलिंग्स हैं इनकी वो क्या है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फेस भी करना चाहते थे, एक्सप्रेस भी करना चाहते थे विद गिविंग यू आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस यू हैव, लाइक आपके दिमाग में काफ़ी सवाल हो सकते हैं कि आपने तब क्यों नहीं किया, जब क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो पहले शायद वो आपको आंसर देने से कतरा भी रहे थे, दे वर अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन और आई कॉन्टैक्ट विद यू, वो अवॉइड कर रहे थे कि आपके साथ कोई इंटरेक्शन या कोई आई कॉन्टैक्ट ना हो, बिकॉज हेयर वी कैन सी द हेड इज डाउन। तो जब हेड डाउन होता है तो आप किसी को नहीं देखते, किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, यू लिटरली अवॉइड पीपल। तो ऐसा ही लगता है इन्होंने किया है, बट नाउ दे आर रेडी टू गिव यू आंसर्स और क्लैरिफिकेशन। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये आपको सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू रुइन दिस कनेक्शन, वो इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, और उसके लिए वो जानते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए जो शुरुआत की फाउंडेशन होनी चाहिए, यानी कि जो बुनियाद होनी चाहिए, जो बेस होना चाहिए, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सच होना चाहिए। तो कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता सच की बुनियाद पर टिका रहता है, अगर किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन ट्रूथ है ओके तो वो रिश्ता चलेगा। तो यहाँ पर भी वो आपके साथ जब कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो आपको सच बताएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स दैट जो डेस्टिनी है वो भी इनको चेंज के लिए कहीं ना कहीं ढाल रही है कि बदलाव आए इनकी जिंदगी में। यस, Something is pulling them forward. कुछ ऐसा है जो इन्हें आगे की तरफ खींच रहा है। There is something for you guys, जो आगे आप लोगों का इंतजार कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है।
ओके okay, कहते हैं ना कि भविष्य में ये खुशी आपका इंतजार कर रही है, भविष्य में ये सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है, ये गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है इन फ्यूचर. सो देयर इज समथिंग इन फ्यूचर जो आपका इंतजार कर रहा है आप दोनों का. तो वो कोई भी सरप्राइज हो सकता है, वो कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है, लेकिन वो फ्यूचर में है. तो इसीलिए डेस्टिनी आपको उस तरफ खींच रही है. तो इनको भी उस तरफ ही आगे बढ़ने की तरफ ही मोटिवेटेड फील हो रहा है, और इसीलिए इनका माइंडसेट अब पॉजिटिव होने लगेगा. टिल नाउ दे वर बीइंग वेरी नेगेटिव अबाउट थिंग्स. अब तक वो काफ़ी नेगेटिव हो रहे थे चीज़ों को लेकर, लव लाइफ को लेकर भी बहुत नेगेटिव हो रहे थे. मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिफिकेशन की बात भी है, कुछ ट्रुथ भी रिवील हो करने के बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ देयर इज कम्युनिकेशन. जितना भी कम्युनिकेशन गैप था उसको फिल करने के बारे में सोच रहे हैं, कि जितना भी कम कम्युनिकेशन हो रहा था, जितना भी लेस एक्सप्रेसिव वो थे, उतना ही ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन देर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी. यानी कि उस कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में, कनेक्शन में ज़्यादा ऑनेस्टी होगी बातों को लेकर. एक दूसरे की बात पर ज़्यादा विश्वास भी कर पाएंगे और ऑनेस्टली डिस्कस भी कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स और सिचुएशंस एक दूसरे से. ये इनका मानना है इस वक्त, और ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको ही काफ़ी सारे सवालों के जवाब चाहिए, इनके मन में भी काफ़ी कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं. ओके, तो कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है, एंड देर इज यू नो पुल. सो दे आर फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स यू. तो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो आपके साथ ही आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ भी एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं. दे आर लुकिंग एट यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉरियर एनर्जी. लाइक वो आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं, वो एक किंग वाली, एक एम्परर वाली एनर्जी है, एक वॉरियर वाली एनर्जी है. कहीं ना कहीं आप इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं इस वक्त, ऐसा उनको लग रहा है. इसीलिए उनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, जो कि सही है. यहाँ पर लग रहा है व्यूअर्स कि आप ज़्यादा किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाए. बिकॉज यू नो कि जब भी आप भावुक होंगे, इमोशनल होंगे, वल्नरेबल होंगे, वीक पड़ेंगे, तो उस वक्त कोई उस बात का फ़ायदा उठाकर आपको कन्विंस कर लेगा, आपका यू नो आपसे वादे कर सकता है, या आपसे वादे ले सकता है, या आपको यू नो आपको भरोसा दिला सकता है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ के लिए आपको मैनिपुलेट कर सकता है. वेन यूर इमोशनल, इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट समवन वेन समवन इज इमोशनल. तो लोग जब भावुक होते हैं तो उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है. तो आप इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में हैं, नॉट बिकॉज कि आप इमोशनल इंसान नहीं हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप राइट और रॉन्ग में डिसाइड करना चाहते हैं, सच या झूठ में डिसाइड करना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको लगता है कि आप इनके साथ इमोशनली डील नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने सवालों के जवाब पाने होंगे, विच इज़ फेयर इनफ. कुछ गलत नहीं है अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में हैं तो, ठीक है. ये भी कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी से थोड़ा सा सोच समझ के आपसे बात करेंगे. दे वोंट से एनीथिंग कि चलिए चार सच बोल दिए तो एक झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं. दे विल थिंक बिफोर दे विल स्पीक. वो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि वो आपको क्या बोल रहे हैं. या तो यस, दे हैव द इंटेंशंस टू मूव फॉरवर्ड विद यू. उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ कर उनको आपको आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है. एंड दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट मैनी अदर थिंग्स टू यू. ये आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. यहाँ पर एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, देखिए ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर कवर हो ही जाते हैं. सो डोंट गेट वरीड अबाउट साइंस. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के बहुत समय से यहाँ पर कन्फ्यूजन था, जो कि मैंने कहा कि ये स्टक एनर्जी में भी थे. तो अब वो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है. डिसाइड इन्होंने दो ऑप्शंस में से किया है, और मे बी 3-4 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में से डिसाइड किया है इन्होंने. ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस कोई लोग हैं, सिचुएशंस थी, करूं या ना करूं, ऐसे सिनेरियोस थे, ऐसा होगा वैसा होगा अजम्पशंस थे, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है. तो जो भी ऑप्शंस थे, जो भी अलग अलग सिचुएशंस और सिनेरियोस इनके सामने थे, तो उनमें से इनके दिल ने या इन्होंने चुन लिया कि इन्हें क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है, और वो उस तरफ बढ़ने के लिए ही कन्विंस्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं. तो उन्होंने डिसाइड किया है व्यूअर्स. आज सुबह कुछ ऐसा लगता है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एनर्जी में आज सुबह उठे हैं. यस, एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर. ये इंसान इसीलिए आपको चुन रहा है हर परिस्थिति में,
क्योंकि इंसान आपसे प्यार करता है, इसीलिए ये इंसान रेडी हो गया है सब कुछ कन्वेंस, सब कुछ कन्फेस करने के लिए, सब कुछ आपको सच बताने के लिए, आपके आगे सब कुछ रिवील करने के लिए। इसीलिए रेडी है ये पर्सन, क्योंकि ये इंसान आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है। एंड नॉट ओनली लव, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इमेंस रिस्पेक्ट दैट दिस पर्सन हैज़ इन देयर हार्ट फॉर यू। ये सिर्फ अनकंडीशनल प्यार के बारे में नहीं है, ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है। क्यों? क्योंकि आप किस तरह के इंसान हो वो बहुत मैटर करता है किसी और को गिल्टी फील करवाने के लिए। सपोज इन्होंने आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया, अगर आप भी बुरे ही इंसान होते या आप भी ऐसे होते जो रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं खुद भी बहुत मीन हैं और खुद भी बहुत क्लेवर हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेटिव हैं, आप खुद भी अगर ऐसे होते तो अगर आपको ये हर्ट करते तो भी इनको गिल्टी फील नहीं होता, क्योंकि ये उसको जस्टिफाई कर देते ये बोल के कि जैसे को तैसा, अगर आप मैनिपुलेटिव हो तो मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो उस वक्त इंसान गिल्टी फील नहीं करता, दे नेवर रिग्रेट। लेकिन अगर किसी सही इंसान को, किसी सच्चे इंसान को, किसी भोले इंसान को, किसी सिंपल इंसान को अगर आप चीट करते हो या मैनिपुलेट करते हो तो वो गिल्ट आपको जीने नहीं देता। वो गिल्ट में आप रहते हो, रिग्रेट आपको लाइफ टाइम का होता है, एंड यू नेवर कम आउट फ्रॉम दैट फीलिंग। आप उस कभी सिचुएशन से, उस फीलिंग से बाहर ही नहीं आ पाते। तो क्योंकि उनको गिल्ट भी हुआ, क्योंकि वो रिग्रेट में भी गए, क्योंकि उनके अपने डिसीजंस पर भी रिग्रेट किया उन्होंने, पास्ट डिसीजंस पर, तो लगता है कि व्यूअर्स उनको रियलाइज हो गया कि उनका जो प्यार है आपके लिए वो कितना जेन्युइनली इवॉल्व हुआ है या जनरेट हुआ है इनके अंदर। देखिए, प्यार ऐसा नहीं होता अनकंडीशनल लव के एक दिन में होगा या एक सेकेंड में होगा, लेकिन रियलाइजेशंस पे रियलाइजेशंस होते गए कि जो मैंने किया वो किस तरह गलत था, ये पर्सन किस तरह सही है, मेरा इनको ऐसे बिहेव करना क्यों गलत है, फ्यूचर इनके साथ क्यों सही है, और क्यों मैं ऐसा फील करता हूँ, करती हूँ इनके लिए कि यही हैं जो मुझे टॉलरेट कर पाए, यही हैं जो मुझे समझ पाए, यही हैं जिन्होंने मेरी बैड साइड देखने के बाद भी मुझे जज नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया। तो बहुत तरह से, यानी अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। तो ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है, दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अलॉट ऑल्सो, ओके। ये आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और ये अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये इनके सुबह के फ्रेश फ्रेश पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो ये इनका कितने समय इनको लगेगा या कितने समय तक इसी एनर्जी में रहने वाले हैं, ये क्या है, वो तो हम आगे रीडिंग में देखेंगे जो भी हम रीडिंग्स करेंगे। लेकिन आज सुबह की इनकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, बहुत ऑनेस्ट लग रही है। ओके व्यूअर्स, या लेट्स सी कि इनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं इनके या आपके नाम में। सो हियर वी हैव अल्फाबेट ए, तो आपके या उनके नाम में ए हो सकता है, एल हो सकता है, ओके, एक्स। इफ अगर आप लोगों का सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ था तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, के, एच, F, U, ओके, D, O, U, F, H, K, X, L, A, D, O। तो ये कुछ अल्फाबेट्स हैं व्यूअर्स जो आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर मुझे जो इम्पोर्टेंट मंथ नज़र आ रहे हैं वो हैं अगस्त फॉर श्योर, जनवरी, अगस्त, जनवरी एंड मे, नवंबर, फेब्रुअरी, ओके, मार्च, सितंबर, ये कुछ महीने हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पर्सन के लाइफ में। बर्थ मंथ हो सकता है, जिस दिन जिस महीने में जन्म हुआ है वो मंथ हो सकता है, या जब आप लोग मिले थे, या जब आप लोगों का डेटिंग स्टार्ट हुआ था, या जब आप लोगों का कोई इशू हुआ है। लेकिन ये डेट रेलेवेंट हो सकती, ये मंथ रेलेवेंट हो सकता है। आइए चलिए डेट देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। मुझे लग रहा है 8/18/28, 3/13/23, 5/15/25 एंड 2/12/22,
6, 16, 26, 11, 21, 31, 1. तो ये कुछ डेट्स हैं व्यूअर्स जो आपके लिए या इनके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं समहाउ. तो ये थी रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है. आई होप ये रीडिंग आपको गाइड करती है. अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया है या आपके सिचुएशन से रिलेट करती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कितने परसेंट आपकी सिचुएशन से मैच करती है, रिलेट करती है, रेजोनेट करती है. कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, अपना अपना रिव्यू दीजिए इस रीडिंग को लेकर. और सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली. बाय बाय. टेक केयर. लव यू ऑल.